हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिगू को मैंने बिठाया था, ये 5 मिनट से बैठा हुआ था, फिर इसे लगा लेट जाता हूँ तो ये लेट गए हैं। और आज पता है, मैं सुबह से आपको पता है रियलिटी दिखा, रियलिटी जैक घर की दिखाती हूँ एंड इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो ये देखें, मैंने कैमरा यहाँ पे लगा के रखा है, ये देखिए घर का जो हाल है, ये देखिए वो आप देख रहे, लाइक बेड का जो हाल है। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने अराउंड 11 o'clock उठ रहा हो तुम अपने आप, ये अपने आप उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अराउंड 11 o'clock ये वाला एक तकिया कवर लगा दिया, ये ठीक है। उसके बाद मुझे ब्लू बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि डुगू का ये मैट्रेस आया है, मैं डुगू का कॉट का मैट्रेस आपको दिखाऊंगी। तो ना क्या बोलते हैं, मुझे चेंज करना था लाइक उसको क्या बोलते हैं, हाँ बेडशीट चेंज करनी थी। पर क्या हुआ, ये इसको मैंने मालिश करी और फिर एकदम से ये क्रैंकी हो गया, फिर मैं इसे फीड कराया और उसके बाद फिर ये सो गया। तो ये 2 घंटे सो गया मालिश कराने के बाद, और उसको मुझे नहलाना था। फिर मैंने इसे अराउंड 3 बजे नहलाया, बहुत गर्म पानी आता है पता है आजकल, पर हम लोग इसे टंकी के पानी से नहलाते क्योंकि उसमें धूल आती है। बच्चे ना रौनक करते बच्चा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेस्ट ऐप फॉर स्किन रिजीम। तो ये जो ऐप है ये है क्योर स्किन, और ये ऐप है मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट की। तो आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और स्किन काफी डल हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो ये बहुत सारे इश्यूज मुझे देखने आ रहे थे। तो ये जो ऐप है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाके क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है। जिस तरह से आप ऐप में साइन इन करते हैं उसी तरह से आपको अपना नंबर फीड करना है एंड देन आप इस ऐप में हो जाएंगे साइन इन। अब आपको मिलते हैं आपके फ्री डर्मेटोलॉजिस्ट। जब भी आप किस स्किन में कोई इश्यू होता है और आप किसी डर्मेट के पास जाते हैं तब आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पर यहाँ पे आपको किसी भी तरह के चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करेंगे, जो भी आपके स्किन रिगार्डिंग लाइक आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देने। जब हम किसी डर्मेट के पास जाते हैं तो हम स्किन इशू बताते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी गोल है अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो भी आपको क्लिक करना है, जो भी आपको चाहिए। तो मैंने क्लिक किया था फॉर बेटर एंड हेल्थियर स्किन। यहाँ पे आप लाइव डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ चैट कर सकते हैं और अपनी जो स्किन प्रॉब्लम है वो उन्हें बता सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग योर स्किन। उसके बाद मैंने अपनी जो प्रोफाइल है लाइक फ्रंट प्रोफाइल, आप साइड प्रोफाइल भी दे सकते, जहाँ पे भी आपको इशू है वो आपको फोटो क्लिक करके भेजनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी फोटो भेजी थी, तो मुझे जो एक्ने स्पॉट थे, डार्क स्पॉट थे, वो पूरे आपको सर्कल सर्कल में दिख रहे होंगे। तो जो भी स्किन इशू है वो वहाँ पे ट्रेस हो जाएगा, लाइक एक फोटो एनालिसिस होगी जिसके थ्रू जो आपके स्किन है उसके इश्यूज वो लोग देखेंगे। के बाद जो आपके स्किन एक्सपर्ट है वो आपके लिए एक रिजीम प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन इश्यू जो भी आपने डाले। लाइक मैं आपको पहले अपना स्किन रिजीम दिखा देती हूँ। और तो ये है वो ब्यूटीफुल बॉक्स जो कि मुझे मिला है फ्रॉम माय स्किन एक्सपर्ट फ्रॉम क्योर स्किन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी बॉक्स है, इसके अंदर मुझे मिले हैं मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, जो भी मैंने गोल डाले थे अपनी स्किन के लिए उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मुझे मिला है ये क्योर स्किन का फोमिंग फेस वॉश, और ये जो फेस वॉश है ये मैं दिन में 2 बार अप्लाई करती हूँ, तो ये वाला फेस वॉश मुझे मिला है। उसके बाद ये है क्योर स्किन की मिनरल सनस्क्रीन जेल जो कि मैं डे में अप्लाई करती हूँ बिफोर गोइंग आउट। उसके बाद ये है क्योर स्किन की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। उसके बाद ये है क्योर स्किन का कोजिक प्लस क्रीम। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योर स्किन का फोमिंग फेस वॉश, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है। यूज़ करने के बाद जो स्किन है वो काफ़ी, आप देख सकते हैं आपको अंतर अभी की अभी दिखेगा। तो इससे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अपनी स्किन पे मसाज कर रही हूँ, लाइक अपनी स्किन को जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। आफ्टर लाइक क्लीनिंग मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं पता है बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो जो सनस्क्रीन है वो मैं दिन में यूज़ करती हूँ, और मॉइस्चराइजेशन के बाद नाइट में मैं यूज़ करती हूँ एक और क्रीम जो कि है कोजिक
प्लस क्रीम, और वो जो क्रीम है वो आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग साथ में नरिशिंग बनाती है, क्योंकि मैंने जैसे कि डाला था कि मुझे हेल्दी स्किन चाहिए, तो आप देख सकते हैं मॉइस्चराइजेशन के बाद ही जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद जो सेकेंड क्रीम है मैं उसके ऊपर लेयर अप कर रही हूँ, और लेयरिंग अप करने के बाद आप मेरी स्किन में एकदम क्लियर जो विजिबल डिफरेंस है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो हो गया है। स्किन के प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो विजिबल रिजल्ट है वो आपके स्किन पे दिखने लगेंगे, एंड इट इज वैल्यू फॉर मनी। आप प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं जो आपके स्किन एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं। एक्स्ट्रा टिप्स लाइक डाइट प्लान एंड हाउ मच वाटर कंज्यूम, लाइक जो आपकी डेली रेगुलर टिप्स है वो भी शेयर करेंगे। फर्स्ट रिजीम होने के बाद, लाइक जैसे आपका फर्स्ट रिजीम कम्प्लीट होगा वैसे आपकी जो स्किन एनालिसिस है वो होगी, और उसके बाद आपको जो अकॉर्डिंग टू योर इम्प्रूवमेंट जो स्किन रिजीम है वो अपॉइंट किया जाएगा। क्योर स्किन बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी एंड अफोर्डेबल है, साथ में उसके जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और साथ में मैं शेयर कर रही हूँ अपना डिस्काउंट कोड जो कि है चांदनी 100, तो आपको यूज करना है ये कूपन कोड और आपका एक बार में ही 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा ऑन योर परचेज। ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जरूर से ट्राई करिए, लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पता है बॉटल निकाल के देखता है, बॉटल आज देखिएगा, पर अभी ये देखिए ये खेल है इसका, ये भी करता है नाटक। आप लोगों को लगता है ना कि डुगू बिल्कुल नाटक नहीं करता, हाँ डुगू खाना खाने में नाटक नहीं करता है, लाइक खाना वो अच्छे से खाता है, ही इज लाइक अ गुड ईटर, अच्छा खाना वाला है। पर दूध में बहुत मूडी हो गए, बहुत मूडी, पता मुझे खाना बनाने जाना है, अब बहुत थक गई हूँ यार। हर तरह से प्रयास किया गया, पूरे मुंह पे आँख पे बॉटल वो कर करके भी ही लेफ्ट इतना दूध। तो 120 ml लेते हैं अभी भी, और 90 ml है इसमें, 30 ml पी है इसमें, और अब मैं इसे फोर्स नहीं कर रही क्योंकि ये रोना शुरू कर रहे हैं। अब पार कलर बस खेलना है, ऐसे नहीं पीना। तो मैंने लगा दिया है, और ये ना कंबल आ गया आज यहाँ पे, एक्चुअली मैंने ये मैंने डुगुवी कॉट में लगा के रखा था, हमने इसके ना गद्दा नहीं लिया था तो उसी कॉट में लगा हुआ था। पता है मेरी दोनों कैमरे की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हुई पड़ी है, तो ये भी कभी भी जाएगी। तो ना यहाँ पे देखिए ये जो है इसकी मैट्रेस आ गई है कॉट की, और ये नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पन्नी निकाली मैंने, ये देखिए ये है डुगु की मैट्रेस कॉट की, बहुत सॉफ्ट है, और इसको देखिए वो सर क्या हो गया, इसको मैं पानी पिलाती हूँ, इसने दूध नहीं पिया, हाँ पानी। और डुगू तो संडे भी अकेले थे, मंडे भी अकेले, कल इसके स्कैन के लिए जाना है, और उसके बाद आज फिर ऑफिस चले जाएंगे। चलिए इसके लिए पानी लेके आती हूँ क्योंकि बहुत चिल्ला रहा है। इसके लिए ना ऑनलाइन सिपर मंगवाया, और जो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे डीमार्ट में, उसमें ना यहाँ पे पाइप स्ट्रॉ थी, तो वही हम लोग को लग रहा था कि स्ट्रॉ लग जाएगी, कि वही लग रहा था स्ट्रॉ लग जाएगी, हालांकि वो स्ट्रॉ भी सिलिकॉन की है। तो ये जो पानी है मैं एक बार फिर से फेंक के भर रही हूँ इसके लिए, और ये इसका ढक्कन है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पता है ये बच्चा अपने आप हाथ से पकड़ के पीता है। और बच्चे को इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहिए क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है। देखिए पीछे से आवाज़ आ रही है, कैसे चिल्ला रहा है, ओए ना
पी लो। अरे ऐसे नहीं पीते, इसको ऐसे पकड़ के और फिर पियो। कर ले पापा बेबी। क्या हुआ? नहीं करे। क्या हुआ? दूध नहीं पी रहा है। नहीं पी रहा? नहीं पिया। क्या हुआ? अब भूख लगी है। दूध बनाया है? बना रहे। और दूध नहीं पिया और मतलब उसे मुंह नहीं लगाया और अब वो रोने में लगा। दादा देख रहे हैं उसको ला के, अगर नहीं सोच रहे तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। और खाना की यार थोड़ा सी दिक्कत हो गई यार, आज खाने का काम भी नहीं हो पाया यार, तो सुबह से कुछ तो वियर्ड हो। क्या हुआ उसको? अच्छा खासा खेल रहा था अपनी कॉट पर बैठ के, लेकिन एकदम से रोने लगा। दूध नहीं पिया यार उसने। हाँ और दूध भी नहीं पिया, सुबह भी नहीं पिया था क्या? मेरे बाल जो हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे पानी आ रहा है डस्ट वाला, उसके चक्कर में मैं शैम्पू करूँ या कुछ भी करूँ, मेरे बाल कहाँ पहले सिल्की सॉफ्ट हुआ करते थे, अभी लग रहा है कि शैम्पू किया लेकिन कल तक ये एकदम ड्राई हो जाएंगे। बोरिंग से जो मिट्टी का पानी आ रहा है ना उसे देखवा लो तो सब सही हो जाए। ये टिप थी। हाँ मेरे पूरे हाथ फट गए ये देखने यहाँ से। ठीक है मैं क्या करूँ, मैं बोल बोल थक जाती हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं और फिर मेरा दिमाग ब्लास्ट होने लगता है। फिर आप जान सब डर जाते, कोई कोई तो अभी तक कुछ मोटा नीचे लगी है, समझ सकते हो क्यों नहीं हो पा रहा मेरा। हाँ यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा हाथ बात हो रहा है, पता मिट्टी का पानी दूध नहीं पी रहा। तो आज मैं उसके लिए ना उसका फेवरेट खाना बना रही हूँ जो वो अच्छे से खा ले, तो उसे दलिया और खिचड़ी। अब मैं पहले कुछ सैलड टाइप का दे रही हूँ ताकि लाइक सैलड की दे रही हूँ सैलड टाइप का, क्योंकि अभी सब खाना जो है वो बन रहा है और जब तक वो बनेगा तब तक कुछ तो एटलीस्ट ले ले। मतलब दूध भी नहीं ले रहा। ठीक है आज तो उसने पता नहीं यार 5 घंटे हो गए राजा।
चेंज कर दो। मेरे को लगा इसे और गाढ़ा करना चाहिए, वो 15 मिनट लिखा था उसने। तो खाना हो गया है, ये हो गया आलू प्याज की सब्जी, यहाँ दाल हो गई है, फिर डुगू का खाना जो है भी रेडी है, पर अभी मैंने सैलेड दिया है तो थोड़ी देर रुक के दूंगी इसे खाना। और यहाँ पे हमारे राइस हो गए तैयार। क्या हालत होती है सुबह उठ के यार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है ट्यूसडे और जैसे कि हमने पुराना व्लॉग देखा होगा, मेरा पिछला व्लॉग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डुगू के स्कैन के लिए। तो ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है, मतलब आज मैंने ज़्यादा, मतलब कल से लेकर आज तक व्लॉगिंग ज़्यादा करी नहीं क्योंकि पता नहीं अजीब सा मन हो रहा था मेरा। पर फिर भी हम लोग रात में कल बिना बात करे, लाइक हमने कल रात में कोई डिस्कशन नहीं किया है ना राजा, कल रात को हमने कोई डिस्कशन नहीं किया ना, तो कल हमने रात में कोई डिस्कशन नहीं किया इस रिगार्डिंग। और मेरे बाल देखिए क्या ड्राई हो रहे हैं, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया और हम लोग सो गए, वरना पूरी रात नींद नहीं आती। सपने मैंने ना दो सांप देखे, मैंने यहाँ पे ये जो ये बीच वाली लॉबी है वॉश बेसिन वाली वहाँ पर दो सांप देखे, बहुत ही प्रिटी लंबे सांप थे, कलरफुल दो सांप थे, दो जोड़े में देखे थे। मैंने देखा ना सांप का देखना मतलब आपकी लाइफ में कुछ चिंता है तो काम है। की लेके या कुछ चीज की, तभी तो फिलहाल हमें लोगों की चिंता थी, काम की चिंता नहीं लेती हूं। नहीं, और उसके सब संदेश भी आ गए थे कि आपका काम अच्छा बढ़ेगा, थोड़ी कठिनाई होगी, धन लाभ होगा, ये सब भी है। तो वही मैं सुबह सुबह मैं राजा को बोला, राजा मेरे को सपना देखा, एक बार देख लो क्या। फिर इन्हें देखा, फिर इन्हें बोला कि थोड़ी चिंता है और इतना शुभ भी नहीं होता है ये सपना। पर ये कि पता क्या होता है, फिर सांप वालों को बुलाया, यहाँ पे ना दो एक टोकरी रखी है, यहाँ पे पता नहीं टोकरी रखी है और पे कपड़े हैं, एक अंदर घुस गया एक ऊपर से चला गया, इतने प्यारे बहुत सुंदर सांप थे, करो सांप बहुत सुंदर थे। फिर वो आए हैं, फिर वो बोल रहे थे बहुत ही खतरनाक सांप है, जहर वाले सांप हैं जिनने पकड़ा है उन्हें, और बस। और फिर मैं देख रही थी कि मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, मुझसे कोई ऐसे मिलने आए हैं, सब्सक्राइब कोई मिलने आया है, तो फिर मैं ऐसे ऊपर लेके आई हूँ, सांप दिखा रही थी मैं, वो जब सांप को पकड़ रहे थे। और इस बीच मैंने डुगू का स्कैन भी देखा, ये तो स्कैन भी हो गया, स्कैन का मुझे पता नहीं है, बस ये मैंने देखा कि स्कैन भी हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए, मैं जाऊँगी तो रेडी होने। और पता आपको एक चीज़ दिखाती, ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, और ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है ना मैंने ना क्या बोलते हैं मंगवाया ऑनलाइन, कांच का सामान ऑनलाइन मंगवाना बहुत ख़तरनाक होता है, ये पूरा टूट गया। इसमें तीन बोल आए थे, ग्लास बोल मंगवाए थे मैंने, जो रहते हैं ग्लास बोल, इसमें से सिर्फ एक ही ये वाला जीवित है, ये वाला, ये देखिए एक ही है, बाकी से दो बड़े हैं ना वो टूट गए, तो दो ही आए, ये पता है आते टाइम टूट गए। फिर मैंने दो मंगवाए थे किचन के लिए, और मेरे को इसमें 600 या 689 कैसे पड़ना था ना, और दो टूट गए, तो इसको मैंने अभी रिटर्न पे डाला है। अब देखो इसको रिटर्न करने कब तक आते,
तो काफ़ी अच्छा है यार, छोटे बॉल की, छोटे बॉल की जो क्वालिटी है वही काफ़ी अच्छी है। बट दो टूट गए, इसमें लिखा है नॉट टू बी यूज इन ओवन एंड ओटीजी, तो ओवन और ओटीजी में आप यूज़ नहीं कर सकते इसे। अब मैं जा रही फटाफट तैयार होती हूँ, डुग्गू अभी उठा नहीं है, उसको उठा के उसको कपड़े थोड़े से चेंज पहनाने पड़ते हैं मुझे जब लेके जाना होता है, लाइक मैं उसे बनियान नहीं पहनाती हूँ ऐसे टाइम पे, और अभी मैं थोड़ा सा बनियान पहना भी नहीं रही हूँ क्योंकि उसे घुमा रही हो रही है, बहुत प्यार से सो रहा है, कुछ भी ढको उस पर वो उतार देता है, लाइक अगर मैं चादर ढकूँगी, कंबल लेके सोती हूँ मैं उसको छोटा वाला, वो ढको वो भी वो करती, पर रूम में बस हल्का सा फ़ैन चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है अभी क्योंकि हम नहीं चलाते उसकी, अगर क्योंकि वो उड़ता ही नहीं है, अगर मैं सो रही हूँ तो मैं उसे वो कर देती हूँ। तो अब ना निकलते हैं हम लोग जाते हैं, एंड जो भी देख रहा है और जब तक आप लोग ये ब्लॉग देखेंगे तब तक उसका स्कैन हो गया होगा, उसके बाद इसका जब ये एक साल का होने वाला होगा तब एक स्कैन होगा, लाइक एक साल के बाद जब ये एक साल का हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे बताया ईयरली स्कैन होंगे। तो चलिए इस बार मेरे को लगा कि नहीं लेते हैं स्ट्रेस, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में है, और लाइफ में ये सब चीज़ें अगर हैं भी तो उन सब चीज़ों का आपको डट के सामना करना पड़ेगा, बस एक ये है कि सब सही रहे और अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि डुग्गू को क्या हुआ है क्या हुआ है, तो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था इस बारे में, पर फिर वो मैंने वीडियो जो है प्राइवेट करके रखी हुई है, अब मैंने प्राइवेट कर दी, मतलब उसे प्राइवेट करे हुए मुझे 4-5 महीने हो गए, लाइक मैंने शेयर करी है उसके 2-3 महीने बाद मैंने उसे प्राइवेट कर दिया, पता नहीं मेरे को वही अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसे प्राइवेट करके रखा हुआ है। तो बहुत सारे लाइक मैक्सिमम लोगों को पता है कि डुग्गू क्या हुआ है, और जो रीसेंट ज्वाइन हुए तो उसका हार्ट स्कैन नहीं है, 3 लीव होती हैं ठीक है, उसमें से एक लीव फॉर्म ही नहीं हुई है, और वो फॉर्म नहीं हुई है तो वो कभी फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो जब बच्चा पेट में होता है तभी फॉर्म होती है, स्टार्टिंग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब हार्ट डेवलप होता है, तो एक डेवलपमेंट है कि जैसे अगर कुछ है, जैसे किसी किसी को किडनी नहीं होती, जैसे 2 में से 1 किडनी बनी, इस तरह से हार्ट में कुछ होता है कि 3 में से 1 नहीं बना, 2 बना है, तो जो 2 की कनेक्टिविटी है उसमें से लीकेज जो है वो होती है, तो डुग्गू को लीकेज है हल्की हल्की, बट वो लीकेज इतनी नहीं है जितने पे उसे सर्जरी करानी पड़े, तो इन सब केसेस में सर्जरी भी होती है अगर लीकेज ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो स्कैन है इसीलिए होता है कि वो लीकेज चेक करने के लिए, कि वो लीकेज ज़्यादा तो नहीं होगी, और वही हम लोग सोच के जाते हैं कि लीकेज ना बढ़े, क्योंकि जिस दिन लीकेज बढ़ जाएगी उस दिन फिर सर्जरी वाला जो है वो हो जाएगा। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और बस।